यहाँ पर अभय त्रिपाठी जी आपसे एक अपडेट चाहते हैं कि आपने कहा था इमामी में कि जब 400 के ऊपर जाएगा तब रिव्यू करेंगे, तो अभी इस पर नया नज़रिया क्या बन रहा है? क्या अब ये 600 के लेवल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है 1 साल में? इस पर मैं आता हूँ। जिंदल स्टील एंड पावर आपने पूछा ना, एक चीज और मैं अपना कॉल आउट कर दूं, क्योंकि इसको फंडामेंटली मैं ट्रैक नहीं करता, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि पावर और स्टील बिजनेस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना है। वो भी बहुत कुछ डिफाइन करेगा इसका प्राइस मूवमेंट। तो ये मेरा अपना कॉल आउट है, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है रेवेन्यू मिक्स उसका क्या है। नाउ कमिंग टू इमामी, मुझे लग रहा है इमामी में चाल आ जाएगी। काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था और अब यहाँ पे चाल बन जानी चाहिए। 400 के ऊपर सस्टेन अच्छा खासा कर रहा है, तो ये धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर आएगा। और 4,8500 के रेंज तक भी आ सकता है, आराम से आ सकता है मेरे ख्याल से। 500 500 प्लस वाला जिसका लेवल है वो टेस्ट हो जाना चाहिए, क्लोजर टू 500 525 वाला। देखिए ध्यान रखिएगा, हर बार कॉल आउट करना पड़ेगा कि रिजल्ट नंबर्स जो है वो डिफाइन करते हैं डायरेक्शन। प्री रिजल्ट रैली आएगी तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर 400 निकल गया है तो अब 400 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। सिंपल सी बात, जब तक ये नहीं जाता है ये ऊपर जाने को तैयार है। 500 520 525 ये सब रेंज रिविजिट करें। जी अच्छा, इसकी जो दिसंबर तिमाही थी उसमें इसका मार्जिन काफ़ी अच्छा सुधरा था, लेकिन उसके बाद फिर मार्च तिमाही में इसका मार्जिन वापस अपने पुराने रेंज की तरफ लौट आया। तो फिलहाल अभी इसको आप फंडामेंटल कॉल रहेगी इस पर कि इसका कुछ कहीं पर बेहतर होता हुआ दिख रहा है इसलिए इसके भाव ऊपर जाने चाहिए, या प्योरली चार्ट पर देखते हुए टेक्निकल बेसिस पर इसमें कोई अच्छी उम्मीद बन रही है? नहीं, मुझे इसमें से प्राइस में मूवमेंट जो दिख रहा है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। और दूसरा थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट बेटर है इसलिए मुझे लगता है वहाँ। जी, और दूसरे इसमें मतलब राउंडिंग बॉटम जैसा तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, उसके बदले एक जिगजैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए क्या मतलब एक सिंपल ट्रेंड लाइन इस पे काम करेगी इस पे टू क्या? हंड्रेड ईएमए का एक जो ट्रेंड लाइन है वो अपने आप में सबसे अच्छा ट्रेंड लाइन है, तो टू इसलिए हंड्रेड लोअर। एट ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज तो ये पार होता हुआ दिख रहा है अब, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि जो बेस्ट ट्रेंड लेकिन लाइन है ऊपर इसके। ये इसके आगे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है 450 के आसपास आएगी, तो क्या ये रेजिस्टेंस के रूप में बाधा के रूप में यहाँ पे रास्ता रोकेगी, या फिर ये ज़्यादा बड़ी अड़चन आपको नहीं दिखती है? वो रुकेगा वहां पे जाके, ये रुकेगा ही रुकेगा। नॉर्मली इस तरह के जो लंबे और लॉन्ग टर्म वाले ट्रेंड लाइन हैं वो एक बार प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते और वहाँ पर आपका हैं। एक हल्का स्विंग हाई भी है, ये दोनों चीजें मेल खा रही। वहां पे रुकना चाहिए थोड़ा बहुत, जी लेकिन वो हिकअप्स क्लियर हो जाएंगे बिकॉज बाकी पैरामीटर्स बहुत सुधरते हुए दिखे। जी तो ये फिलहाल इमामी पर राय, तो आप देखिए अभय जी इस पे क्या करना है आगे। कुल मिला करके आप 1 साल के नजरिए से रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी और भी इसमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। बाकी सोमेश जी ने अपनी ओर से जो नजर आ रहा है वो आपको सामने रख ही दिया है।